हार्दिक स्वागत है हमें जंतर मंतर पर। पूरे उत्तर प्रदेश से शिक्षा मित्र यहाँ अपनी मांग को लेकर अपने पूर्ण परिवार के सहित सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारी मांगों को माना जाए। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ अध्यापिका हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, जिन अध्यापकों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए था आज वही अध्यापक रोड पे, दिल्ली की राजधानी रोड पे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। मैडम आपका नाम? रानी। आप कहाँ से आई हैं? गाजीपुर जिले से आई हूँ। गाजीपुर जिले से? हाँ। मैडम आपका? बबीता सिंह। और सर मैं संभल से हूँ। संयोगिता गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? यस सर। मैडम आप यहाँ जंतर मंतर पे क्या मांगों को लेके आई हैं? और एक तरफ कहा जाता है आप शिक्षा मित्र हैं, आपको तो स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो आपकी क्या मजबूरी है कि आप यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं? मैं माननीय महोदय जी से बताना चाहती हूँ कि अपने इस दुख की घड़ी में थोड़ा बहुत तो उनको कुछ तो कहना चाहिए कि नहीं, मतलब हम लोगों की बात सुने, वो समझे। छोटे छोटे बच्चे छोड़कर हम लोग घर परिवार छोड़कर यहाँ आए हुए हैं, बस समान कार्य समान वेतन के लिए हमारी मांगे हैं। बस समान कार्य समान वेतन, बस। हम लोग 17 वर्ष से यहाँ काम कर रहे हैं, 17 वर्ष से नौकरी करते आ रहे हैं, आज हम लोग रोड पर हैं, तो इसलिए हमारा बस समान कार्य समान वेतन चाहिए, हम यही मांग कर रहे हैं। समान काम समान वेतन की बात करी इन्होंने, तो आपकी क्या मांग है? सर हमारी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे साथ जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, हमारी सबकी मांग यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी को समान कार्य और समान वेतन होना चाहिए, तो क्या इसमें ये सरकार हमारी इस बात को नहीं मानी तो इसमें कोर्ट की अवमानना नहीं होगी? अगर वो हम लिए कह दी कि इन्हें बाहर फेंक दीजिए, तो सरकार हमारी, मुझे लगता है कि हाथ पकड़ के मैं बाहर फेंक दी, तो उसके लिए कि वो कोर्ट की सम्मान कर रही है। लेकिन जब बात आती है वेतन की, हमने 17 सालों तक इतना संघर्ष किया है, बच्चे इतने थे आज मुझसे बड़े हो गए हैं, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई बच्चा मेरा कुछ करना चाह रहा है, लेकिन अब आप बताइए कि 10,000 के मानदेय पे हम अपने बच्चों की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं? हमने अपना समय जैसे भी काटा, हमें मालूम था कि एक उम्मीद थी हमारे आगे कि हम कभी प्रयासरत रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य संभालेंगे, तो कभी ना कभी हमारे बच्चों का भी भविष्य संभलेगा। लेकिन इस सरकार से हमें बहुत उम्मीद थी, हम लोगों ने पूरा जनमत की चलिए झोंकते हैं कि हमें भाजपा को ला के देखते हैं, इससे इतनी उम्मीद थी, पर हमें ये नहीं पता था कि इस सरकार को लाना हमारे लिए इतना महंगा मिलेगा कि मेरे साथ के भाई बहनों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा, हम लोग को जंतर मंतर पर ऐसा पानी जो कि हम पी नहीं सकते, यहाँ बीमार होने की स्थिति में वो हमें पीना पड़ रहा है, हमें खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, आधे भाई, मैं भी डिप्रेशन की स्थिति में जाने, तो आधे से ज़्यादा मेरे भाई बहन मानसिक रोगी बन चुके हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे सरकार से जवाब चाहिए, हमारी गलती क्या थी? आप हमारी गलती बताइए, अगर सरकार की गलती थी तो आप सरकार से पूछिए, सरकार ने गलती की, और अगर सरकार ने गलती करी, अब आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार में और पहली सरकार में क्या अंतर रहा बताइए? आप उसमें संशोधन कीजिए, आप बातचीत कीजिए सरकार से, क्या था? हमें तो नहीं मालूम, हमें तो बस बलि का बकरा बना दिया जाता है हमेशा, एक शिक्षामित पता नहीं, समझ में नहीं आता सरकार की निगाह, सिर्फ शिक्षामित शिक्षामित। समान कार्य समान वेतन की बात कही अभी मैडम ने, तो मैडम आपकी क्या मांगे हैं? देखिए हमें 17 साल, कुछ लोगों को 17, कुछ को 10, किसी को 15, ये यहाँ पर काम करते हुए हो गए हैं। इन काम करने के चक्कर में हमने अपने बच्चों को सिखा दिया है कि हम एक स्थायित्व हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो स्थायित्व हमें किसी भी सरकार से नहीं मिला। वो स्थायित्व चाहिए हमें कि क्या हम कोई ऐसे पत्थर हैं कि जहाँ भी चाहो उसको उसी जगह पर फेंक दिया जाए, कभी शिक्षा मित्र, कभी सहायक अध्यापक, फिर शिक्षा मित्र, ऐसा लोगों, ऐसी सरकार, ऐसी क्या गलती हो गई 17 सालों में इन शिक्षा मित्रों से कि गरीब बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर अफसर बना दिया, और आज ये कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है, लोगों का सम्मान, लोगों का अधिकार नहीं छीनना चाहिए सरकार को। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ कि इतने लोगों को भूखा ना बनाएं और उन्हें मजबूर ना करें कि वो 150 की जगह पर 1,72,000 शिक्षा मित्र फांसी खाने को तैयार हो जाएं, उन्हें, उन लोगों को
शर्मिंदगी की जिंदगी से बाहर निकालकर योगी जी और मोदी जी हाथ जोड़कर आपसे मेरा निवेदन है कि इनका हक इन्हें दे दीजिए और समान वेतन समान कार्य का जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो इनको मिलना ही चाहिए, वो इनका अधिकार है क्योंकि 17 साल की तपस्या उनको बेकार नहीं जानी चाहिए। यदि कोई किराएदार एक मकान में आकर एक वर्ष रह जाए तो वो भी वहाँ से निकलने के लिए उसको भी एक लिखित रूप में आदेश होना होता है। क्या आज तक की कोई लिखित रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये कह दिया है कि इनको बाहर निकाल दिया जाए? ऐसा कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। इसलिए हम सबकी एक ही मांग है कि समान कार्य और समान वेतन हम लोगों को मिलना ही चाहिए क्योंकि हम इसके हकदार हैं। धन्यवाद।